एमपी कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल। दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है एमपी कांस्टेबल के एग्जाम का, क्योंकि सालों साल से वैकेंसी नहीं आई। वैकेंसी आई तो फॉर्म बड़ी मुश्किल से, जब फॉर्म भरे तो दोस्तों एकदम से फिर कोरोना आ गया, पेपर नहीं हुआ। अब जब कोरोना दोस्तों जैसे जैसे कोरोना गया तो आपको मालूम है एक नया वेरियंट आ गया। अब दोस्तों जैसे तैसे नया वेरियंट गया तो मध्य प्रदेश में पंचायत इलेक्शन की घोषणा हो गई। अब जनवरी में पेपर है और जनवरी में पंचायती इलेक्शन उसी टाइम है। दोस्तों मैं ये स्पष्ट आपको बोल देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आचार संहिता में एग्जाम ना हो। हाँ, ऐसा है कि आचार संहिता के समय कोई नई वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि आचार संहिता में एग्जाम ना हो। परंतु अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं है कि आचार संहिता में बहुत बड़ा एग्जाम हुआ हो। देखिए ऐसे एम पी पी एस सी में का भी असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम होना है, उसमें 1,000-2,000-5,000 उसमें फॉर्म भरे होंगे। परंतु एमपी कांस्टेबल में लाखों लाख फॉर्म भरते हैं। जो भी टीचर्स हैं वो इलेक्शन में बिजी है। दोस्तों टीचर्स की ड्यूटी लगती है फॉर्म, जो एमपी कांस्टेबल का एग्जाम होगा उसमें, तो ऐसे इतनी टीचर कहाँ से लेके आएंगे भाई? वो या तो चुनाव कराएंगे या फिर एक काम करा पाएंगे। तो ये मेरा थोड़ा सा मैनेजमेंट, मेरा यही मानना है कि ऐसा रूल नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा आचार संहिता में, लेकिन एग्ज़ाम ना हो इसकी कंडीशन ज़रूर बन रही है। बिल्कुल, जो भी मेरा यही मानना है कि एग्ज़ाम तय टाइम पर होगा। सरकार अगर चाहती है तो तय टाइम पर हो जाएगा, अगर सरकार नहीं चाहती तो नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसा नियम कुछ नहीं है कि नहीं होगा। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले मन से तैयारी करिए, क्योंकि एग्जाम एकदम से एग्जाम आ गया, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तैयारी इतनी जल्दी नहीं होती। तो आपको तैयारी अभी से करनी होगी, और आपको ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम जनवरी में नहीं है। आपको ये सोच के तैयारी करनी है कि एग्ज़ाम तय टाइम पर ही है, ठीक है? उसके साथ तैयारी करो तो ही आपको सिलेक्शन हो पाएगा। वरना दोस्तों एकदम से अगर एग्ज़ाम हो गया आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी अगर आप तैयारी नहीं करोगे। तो आपको मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर आप तैयारी करिएगा। मैं आपको हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि आप रेगुलर तैयारी करिएगा, नहीं तो आप बहुत, हम जो लोग हैं बहुत मीडियम क्लास फैमिली से हैं, और हमारा जो जीवन है वो इन्हीं आशा पर टिका हुआ है कि बच्चा कांस्टेबल बनेगा और फैमिली थोड़ी सुधरेगी, मजदूरी किसानी से राहत मिलेगी। तो सिंपल से यही है कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है जीवन में तो आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। आपको प्रयास नहीं छोड़ना है, भले ही चुनाव आ गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम तय टाइम पर ही होगा, ये मेरा अभी भी कहना है। 60% तय टाइम पर ही होगा, 60% बिल्कुल समय पर होगा, लेकिन 40% का चांस, 40% हो सकता है ना भी हो, लेकिन मैक्सिमम चांस होने का है। तो आप मन लगा के तैयारी करिएगा, और आपको इस बार देखिए, यदि आपको इस बार सिलेक्शन नहीं होता तो आपको साल दो साल आपकी जीवन ऐसे ही निकलेगा। वही किराए से रूम, वही टीचर्स की फ़ीस, वही घर की परेशानी, गाँव वाले के ताने, पड़ोसियों के ताने, फैमिली को। और यदि आप अच्छे से पढ़ लेते 2-3 महीने तो ये सब प्रॉब्लम है आपकी 3 महीने में सॉर्ट आउट हो सकती हैं। दोस्तों आपको मल्ला के पढ़ाई करनी है, तब तक के लिए जो भी न्यूज़ होगी, जो भी अपडेट होगा, जो भी आपकी हेल्प होगी मैं करूँगा, ठीक है? तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जवाहर खड़े लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, टेक केयर।